अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासीन। मेरे चैनल का नाम है यासीन कराची व्लॉग्स। आज मैं आया हूं कोयटा टाउन कराची में, जो कि सुपर हाईवे जमाली पुल के साथ हैं। और यहां पर काफ़ी आबादियां हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे घर भी बन रहे हैं। ये देखें जी, अभी मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ जो 500 गज का है, मेरे दोस्त का घर है, उसमें काम हो रहा है। ये देखें जी, कोयटा टाउन में ये देखें जी, सारा काम हो रहा है। इसमें सीलिंग का हो रहा है और पेंट का हो रहा है। देखें जी, ये देखें जी, हर तरह का काम हो रहा है और पूरा घर खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे कि कोयटा टाउन में कैसे घर होते हैं और क्या क्या काम किया जाता है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ घर की। कोयटा टाउन में बहुत ज़्यादा मतलब है कि रश हो गया और अच्छा एक इलाका बन गया है। पहले डर था कोयटा टाउन में, लेकिन अब जो है कोई डर वर नहीं है, बड़ा अच्छा इलाका है और सुकून से रहें। ये इसका नीचे का हिस्सा है गली का और ये हाउस बना हुआ है। और जैसे कि ये पूरा कोयटा टाउन का इलाका है और पहले इसमें ये होता था कि जैसे कि किसी किस्म का डर होता था, ये होता था। अब कोयटा टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सुकून है। और मैं ज़रा होटल पे जा रहा था चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आपको पूरे इलाके का विज़िट करा दूं। ये पड़ता है सुपर हाईवे जमाली पुल, आपने नाम सुना होगा, जमाली पुल के साथ ही पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि ये म्यांमार से ज़्यादा सेफ़ है। अब म्यांमार में वो बात नहीं रही, लेकिन कोयटा टाउन जो है ना, वो अब सेफ़ है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, साफ़ सुथरा इलाका है, जो है क्लियर इलाका है। ये हाईवे की तरफ से रोड आ रहा है, चुरंगियाँ बनी हुई हैं और साफ़ सुथरा जिसको एरिया कहते हैं वो है कोयटा टाउन का।